दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सीबीआई का खेल शुरू हो गया, लेकिन इस खेल को मात देने के लिए ममता बनर्जी खुद सामने आकर खड़ी हो गई है। जी हां, पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई में फिर तनातनी शुरू हो गई है। पिछले दिनों जब सीबीआई ने बंगाल के अधिकारियों और टीएमसी नेताओं के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए थे, तो उस समय भी तनातनी बढ़ गई थी और ताजा मामला थोड़ा गंभीर हो गया है, क्योंकि वीरभूम हिंसा मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ललन शेख की कथित तौर पर सीबीआई हिरासत में आत्महत्या के बाद बंगाल पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। यहां पर अब सीधे तौर पर सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा जो है कोलकाता पुलिस ने दर्ज कर दिया है। वीरभूम जिले के बोगतुई गांव में जनवरी 2022 में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक ललन शेख की सोमवार 12 दिसंबर को कथित तौर पर सीबीआई हिरासत में मौत हो जाती है, जिसके बाद कोलकाता पुलिस उस मौत को लेकर सीबीआई को जिम्मेदार ठहरा रहा है और उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर चुका है। सीबीआई का कहना है कि उसने खुदकुशी की है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई कलकत्ता हाई कोर्ट में इस एफआईआर को चुनौती देगी। हालांकि बंगाल पुलिस ने ललन शेख के परिवार द्वारा की गई शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की है। ललन की पत्नी ने सीबीआई अफसरों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ललन को प्रताड़ित किया, इस वजह से उसकी मौत हुई। ललन शेख की पत्नी ने आरोप लगाया है कि सीबीआई अधिकारियों ने उनके पति को जान से मारने की धमकी तक दी थी और मामले में उनका नाम हटाने के लिए 50 लाख रुपए की मांग भी की थी। ललन शेख की वीरभूमि हिंसा के 8 महीने बाद 4 दिसंबर को झारखंड से गिरफ्तार किया जाता है। वीरभूम हिंसा में महिलाओं और बच्चों सहित 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले में सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस घटना की निंदा करती हूं। अगर सीबीआई इतनी होशियार है तो आरोपी कैसे मारा गया? अगर सीबीआई जो है खुद को चालाक बताता है कि वो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो फिर सीबीआई की कस्टडी में एक शख्स की मौत कैसे हो जाती है? सीबीआई ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और ललन शेख की मौत की जांच अब शुरू हो गई है। सीबीआई वीरभूम हिंसा मामले की जांच कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि शेख ने उस भीड़ का नेतृत्व किया था जिसने बोगतोई में घरों में आग लगा दी गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हादसे में मरने वालों में एक 8 साल की बच्ची भी शामिल थी। दोस्तों, स्थानीय टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी और सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि भादु शेख की हत्या उसके और उसके सहयोगी के बीच संदिग्ध भूमि सौदे, अवैध व्यवसाय और जबरन वसूली के हिस्से को लेकर प्रतिदिनता का नतीजा था। और तो और ये तनातनी भी सीबीआई की तरफ से बताई गई थी कि ये पुरानी तनातनी है जहां पर हत्या को अंजाम दिया गया था। सीबीआई और बंगाल पुलिस के बीच लंबे समय से रशाकशी चल रही है। सीबीआई ने पिछले साल और इस साल जो छापे मारे थे उसमें बंगाल पुलिस पर उसने असहयोग करने का भी आरोप लगाया था। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आई थी, हिंसा की तस्वीरें आई थी, हर जगह बंगाल में हिंसा भड़क गई थी। हालांकि राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी में तनाव का माहौल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही बनने लगा था। मीडिया में उस समय आ रही खबरों में बताया जाता था कि बंगाल में इस बार टीएमसी हार सकती है और बीजेपी के पक्ष में माहौल है, लेकिन नतीजा आने पर उल्टी कहानी सामने आई। ममता बनर्जी की पार्टी भारी बहुमत से वापस कोलकाता या यूं कहें कि बंगाल की सत्ता में वापस आ गई, लेकिन इसके बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया, थमा नहीं। यहां से आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पर लगते रहे और टीएमसी पर भी लगाते गए। सीबीआई ने चुनाव के बाद हुई हिंसा में टीएमसी नेताओं के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज की थी और इस दौरान सीबीआई ने बंगाल के डीआईजी पर यह भी आरोप लगाया था कि वो मांगी की गई सूचना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जो सीबीआई मांग कर रही है, जो डिटेल्स मांगा जा रहा है, वो डीआईजी साहब की तरफ से सीबीआई को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सीबीआई ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के 30 मामलों की जांच शुरू की थी और सीबीआई ने उसी दौरान एक पीड़ित शख्स से पूछा था कि क्या कोलकाता पुलिस के 3 अधिकारियों ने उसे टीएमसी के वर्तमान विधायक के खिलाफ बयान नहीं देने को कहा था। तो सीबीआई ने पीड़ित से 3 पुलिस अफसरों की पहचान करने को भी कहा था। सीबीआई ने 19 मई को बंगाल के शिक्षा मंत्री प्रकाश चंद्र अधिकारी के खिलाफ भी शिक्षक भर्ती घोटाले
का जो मामला हुआ उसमें भी केस दर्ज किया गया। इसके बाद छापों का सिलसिला शुरू हो गया और सीबीआई अभी भी छापे मार ही रही थी कि बंगाल पुलिस ने कोयला स्कैम में सीबीआई के कुछ अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली। इसमें सीबीआई का उमेश कुमार नामक वो अधिकारी भी शामिल था जो बंगाल के कोयले घोटाले की जांच कर रहा था। दरअसल कोयला घोटाले की जांच करते हुए सीबीआई टीएमसी सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास पर 14 जून 2022 को जा पहुंची थी। वो अभिषेक के घर पर उनकी पत्नी से पूछताछ करने पहुंची थी और इस घटनाक्रम के बाद बंगाल और केंद्र के बीच काफी टकराव बढ़ गया था और इसी के बाद सीबीआई के कुछ अफसरों के खिलाफ बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। सीबीआई के जिन अफसरों के खिलाफ बंगाल पुलिस ने एफआईआर की थी उसमें शिकायतकर्ता डायमंड हार्बर से था और संयोग से डायमंड हार्बर से ही अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। बंगाल पुलिस बनाम सीबीआई की रशाकशी में एक रोचक घटनाक्रम 21 अगस्त 2022 को हुआ दोस्तों, जब पीटीआई की एक खबर के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने 21 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था चूंकि सीबीआई के कुछ अधिकारियों की टीएमसी नेताओं से सेटिंग थी इसलिए वित्त मंत्रालय ने अब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जांच करने भेज दिया है। दिलीप घोष ने यह भी कहा कि कोयला घोटाला, जानवरों की तस्करी, टीचर भर्ती घोटाले में सीबीआई वांछित नतीजे नहीं ला पाई, उसके कुछ अफसरों की टीएमसी नेताओं से सेटिंग हो गई इसलिए ईडी को भेजा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसलिए बंगाल में सीबीआई के कुछ अफसरों का ट्रांसफर भी करा दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि ईडी ने बंगाल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को शिक्षा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने पार्थ चटर्जी की खास महिला सहयोगी के यहाँ से कई करोड़ का कैश भी बरामद किया गया था, जहाँ पर खूब सारा कैश जो है सीबीआई की तरफ से रिकॉर्ड किया गया था और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल भी हुई थी। सीबीआई ने वीरभूम से टीएमसी के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंजल को जानवरों की स्मगलिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। तो इस तरीके से सीबीआई की कार्रवाई जो है बंगाल में ताबड़तोड़ हो रही है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पुलिस सीबीआई को पूरी तरीके से धराशायी करने के लिए सामने से वार करती हुई नजर आ रही है। वो वार है सीबीआई पर एफआईआर का। जिस तरीके से ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पुलिस बार बार आरोप लगा रही है कि सीबीआई जो है वो सरकार के इशारों पर काम करती है, सरकार के इशारों पर कठपुतली बनी हुई नाचती है, और किस तरीके से कठपुतली बन रही है जिसका नतीजा आप बंगाल की राजनीति में देख सकते हैं। ये बार बार वहाँ के जो सत्ताहीन नेता है वो ये आरोप लगाते हैं, खासकर ममता बनर्जी तो बार बार यही कहती हुई दिखाई देती है कि कैसे जो है सत्ताधारी केंद्र की मोदी सरकार जो है बंगाल में किसी को भी अस्थिर से रहने नहीं देना चाहती है और वहाँ पर सरकार गिराने की पूरी कोशिश करती है जिससे बंगाल की सरकार गिर जाए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।